हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, मैंने ये जो वीडियो है ये पॉज किया हुआ है। पहले तो मैं आपको पूरा स्टोरी बता देता हूँ कि हो क्या रहता। तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं पहले रेडमी नोट 4 पे खेलता था, तो उसमें एक इनबिल्ट फीचर था कि आप इन गेम साउंड रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन अभी मेरे पास, मैंने नया फ़ोन लिया है, वीवो Z1 Pro। आप देख सकते हो मेरे थोड़े कंट्रोल्स भी चेंज हुए हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं जो इन गेम साउंड होता है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो उस वजह से अब ये जो गेम प्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं बैकग्राउंड में साउंड डाल दूंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग रखने के लिए। लेकिन जो हमारा गेम साउंड होगा वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें वो फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ माइक से अपने, वो सब सुनाई देगा। तो अब आते हैं ये गेम पे। तो बेसिकली आप देख सकते हो मैं सोलो खेल रहा था। तो गाइस, सोलो में मेरी आदत है, मैं जैसे ही हम लॉबी में जाते हैं, वेटिंग लॉबी में, तो मैं ऐसे ही लोगों को पूछता हूँ कि हेलो गाइस, टीम अप टीम अप टीम अप। तो ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं पूछता हूँ कोई रिप्लाई दे रहा है कि नहीं देखने। तो इस गेम में क्या हुआ, मेरे को एक बंदे ने रिप्लाई दिया। तो मैं तो ये गेम स्टार्ट किया था वो गोल्डन कंपास जो होते हैं वो ढूंढने के लिए। तो उस बंदे ने रिप्लाई किया, मतलब हमारा जो प्लेन पाथ था ना, वो ऐसे जा रहा था सेवर्नी साइड पे। तो उसने मुझे बोला कि हाँ भाई, आजा टीम अप करते, मैं शालबर उतर रहा हूँ। बोला भाई, मैं शालबर तो नहीं उतरूँगा, वहाँ पे वो कंपास का है तो सही एक्सकेवेट का, पर वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, तो मैं जा रहा हूँ शूटिंग रेंज, तू उधर आ जाओ, अपन टीम अप करते हैं। तो लकीली, पता नहीं, मतलब लकीली नहीं, वो बंदा बात सुन गया, वो बोलता है ठीक है, मैं आता हूँ शूटिंग रेंज। तो हम लोग शूटिंग रेंज के वहाँ पे गए और वो जो टनल होता है वहाँ पे उतरे। तो बंदा भी मेरे साथ उतरा, मुझे लगा नहीं था वो आएगा, पर वो आया। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मैंने उसको बोला देख, मेरे को गोल्डन कंपास ढूंढना है, तो चल साथ में ही ढूंढते। तो वो तो ट्रेजर हंट का मिशन कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला तो वो मान गया और मेरे साथ ही फिर खेल रहा था। तो फिर हम लोग शूटिंग रेंज पे ऐसे ही लूट रहे थे, हर एक जगह ऐसे ये कर रहे थे एक्सकेवेट और गोल्डन कंपास ढूंढने। तो उसने मेरे को बोला मेरे पास तो गोल्डन के सब हो गए, तेरे को चाहिए तो मेरे को मिला तो मैं दे दूंगा। इसलिए हम लोग साथ में ही एक्सकेवेट कर रहे थे हर एक जगह पे। तो फिर हम लोग जैसे ही ऐसे एक्सकेवेट करते करते आगे गए, तो इसने मुझे, जब हम शालबर भी पहुँचे इसका मिशन करने को, तो इसने मुझे बोला कि भाई, मैं बहुत टाइम से ऐसे सोलो में ट्राई करता हूँ कि किसी के साथ टीम अप करूँ और मेरे को पैसिफिस्ट दिला दे कोई, लेकिन हर बार होता क्या है कि एंड में कोई ना कोई, मतलब मैं जिसके भी साथ टीम अप करता हूँ उसको कोई ना कोई एंड में मार ही देता है, तो मेरा पैसिफिस्ट हो नहीं रहा है, तो मेरी हेल्प करेगा क्या। तो मैंने बोला देख भाई, चल ट्राई तो कर लेते हैं, टफ पड़ता है लेकिन, क्योंकि सोलो में कोई भी कहाँ से भी मार सकता है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। तो फिर अभी आगे का जो है, मैं हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, इतना मतलब ऐसे साथ में सोलो रहते इसलिए। तो फिर आगे जाके हम लोग बहुत आगे तक पहुँच गए और 26 अलाइव थे। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते, मे बी इसको पैसिफिश दिला दे। तो फिर ऐसे ही मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो मैं आगे का आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ और आगे क्या क्या हुआ, मैं आप मेरी बातें भी सुन पाओगे उसके साथ, मतलब उसकी आवाज़ बहुत लो आएगी लेकिन मेरी आपको क्लियरली सुनाई देगी। तो चलो मैं अभी प्ले करके आपको बताता हूँ। तो हम लोग इधर बेसिकली ऐसे ही बैठे थे देखने कि कोई आ रहा है कि नहीं। तो एक बग्गी यहाँ से गई, तो हमने ऐसे ही ट्राई किया, मतलब मैंने ट्राई किया शूट करना, मैंने उसको बोला था तू किसी को मार मत, तो लेकिन वो फिर भी ऐसे ही ट्राई कर रहा था उसको डैमेज देने को। खत्म हो गई मेरी, तो ये देखो मत मार, ये उसको शूट कर रहा था, मैंने बोला मत फोकट, मर वर गया या तो तेरी गोली मेरे को लग गई तो मैं मर जाऊंगा। फिर मेरे M4 की एमओ खत्म हो गई थी, तो मैंने उसको बोला तेरे पास गन है तो मेरे को दे दे। तो उसने AKM बोला, तो मैंने बोला ठीक है मेरे को दे दे, तेरे पास गन कौन सी है, तू वैसे भी शूट नहीं करेगा। तो फिर उसने मेरे को AKM दे दी। तो ये जहाँ पे जब हम लोग इधर आए AKM देखने, ये बंदा आया, तो यहाँ पे एक बंदा था ये स्टोरी में। तो मैंने इसको बोला मेरे को गन दे दो, गन दे दे क्योंकि मैं मारूंगा तू मार नहीं पाएगा। तो उसने AKM ड्रॉप कर दी, पर तभी वहाँ पे नेट डालने वाला था ऊपर वाला बंदा, इसलिए फिर मैं रुक गया। फिर उसने बोला मैंने AKM ड्रॉप कर दिए, तो मैं वापस उधर गया AKM उठाने को। और फिर इसको टेंशन था कि हम मर ना जाए, तो इसने बोला एक काम कर भाई, इधर से निकल जाते, मेरे को पैसिफिस्ट चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चल, कोई भी एक मरा तो फिर तेरा होगा नहीं, तो चलो हेलो चले आते। हम लोग ने ट्राई किया कि ये ऊपर वाले से भी बात करे, पर हुआ नहीं। हेलो, फिर थोड़े टाइम बाद हम दोनों ने डिसाइड किया चल छोड़ निकल ही जाते हैं। तो फिर इसने ये जो हमारी गाड़ी थी उस पर पूरा स्मोक कर दिया, और फिर हम लोग गाड़ी लेके निकल के भाग गए। फिर अब हम आगे जा रहे हैं, हम लोग ब्रिज से जाएंगे, तो मैं आपको वो भी पूरा दिखा देता हूँ। मुझे टेंशन था कि मुझे लगा था ब्रिज पे कोई तो कैम कर रहा है, क्योंकि वो बग्गी वहाँ से कहीं तो गई थी घूम के। तो फिर हम लोग फिर भी ऐसे ही रिस्क लेके गए, तो अब देखो क्या होगा। कोई तो है उधर, बग्गी खड़ी है। ए, मेरे को मारा तूने?
तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बंदा खड़ा था गाड़ी के पीछे, और वो जो बग्घी खड़ी है वो मैंने बोला वो ग्लिच से दिख गया। अबे तू मेरे को मार दिया था। तो ये बंदा मेरे पीछे बैठा था, उसने जब शूट किया तो गोली मेरे को लग गई, तो मैं इसको वही बोल रहा था कि भाई मत मार, मेरे को गोली लग गई थी, तो मेरा डैमेज, मुझे डैमेज पड़ा, आप देख सकते हो। पर जाने दे, अभी जोन आ रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी वैसे भी बहुत सारे लोग अलाइव है, तो इस ब्रिज वाले से फाइट लेके फायदा नहीं है का, अगर कोई भी एक मर ना जाए, इसलिए हम लोग फिर आगे गए मिलिट्री में, गए थोड़ा लूटने के लिए, क्योंकि लूट नहीं था हमारे पास, हम लोग बस वो एक्सकेवेट करने के चक्कर में कुछ हम लोग ने लूटा नहीं था। फिर हम लोग यहाँ से मिलिट्री जाते हैं, सी बिल्डिंग जो है वहाँ पे लूटने को हम लोग वहाँ गए। मैं आपको वो सब पार्ट नहीं दिखाऊंगा लूटने का, ठीक है? तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आए और हमने सी बिल्डिंग ये सब लूट लिया, और फिर जब ऐसे ही बंदे बढ़ते जा रहे थे तो हम आगे आगे जाते गए गाड़ी ले लेके। फिर जब हम लोग सी बिल्डिंग में ऐसे ही बैठे हुए थे, रुके हुए थे, तब तक सिर्फ 8 अलाइव बचे थे, तो हम दो के अलावा 6 थे, और उसने बोला भाई 6 ही है और अगर तूने मार दिया तो मुझे मिल जाएगा। मतलब ये बंदा रैंडम है, मैं आपको आगे प्रूफ भी दिख जाएगा कि क्या ये रैंडम था या मेरा फ्रेंड था, जो भी है, क्योंकि मैं बताऊँगा आगे हुआ क्या था। तो देखो हम लोग एज से जाके देख रहे थे कोई हो ना, तो उसने बोला एज के घर पे रुकते ताकि बीच में अगर रहे तो कोई मार ना दे, तो हम लोग एज से जा रहे थे और ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो उसका भी टेंशन था, लेकिन हम लोग कैसे तो वो घर तक पहुंच गए। तो यहाँ पे अभी हमारी बातें बहुत होगी, तो मैं आपको बातें सुनाता हूँ और मैं थोड़ा कम बोलूंगा ताकि आपको भी समझे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था, वो जो गाड़ी वाला बंदा था वो उसके साथ डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो उसको देख के टीपी भी ले रहा था, लेकिन मैं ये साइड से आके मैंने उसको मार दिया। और मैंने इसको बोला अभी तो थोड़ा अलग अलग बैठते हैं, कोई कुछ मारे तो किसी एक को ना पड़ जाए, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ आके मेरे ही वाले शैक में बैठ गया। मैं बोला चल ठीक है बैठ जा, अभी आया ही है तो होने दे उनकी लड़ाई। फिर मैंने बोला मेरे को पीछे वाले को लूट लिया, उसने तो मिला नहीं, लेकिन जो सामने साइबर टावर था उधर एक बंदा था जिसके पास AWM थी, और ये बंदा लास्ट तक आएगा, मतलब लास्ट जो मैं मारूंगा वो यही होगा, आप देखना। टावर में बंदा है यार, उसके पास AWM है, तो उसने शूट भी किया था हमारे, हम बच गए। मैंने इसको बोला स्मोक है क्या, क्या हम गाड़ी, हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं, हम पीछे वाले की गाड़ी लेके जाते, अरे मर मर जाएगा। इसने बोला कि मैं लेके आता हूँ गाड़ी, मैं बोला लेकिन रुक जा मर जाएगा, क्योंकि ओपन में ऊपर भी राइट में बंदे हैं, लेकिन वो फिर भी गाड़ी लेके आया। फिर जैसे ही गाड़ी लिया मैंने बोला चल भागते फटाफट गाड़ी में बैठ, तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलेंगे। पड़ी क्या तुझे, पड़ी बंदा। तो अब हम नीचे से जैसे जा रहे थे हमें ड्रॉप पे एक बंदा दिखा और थोड़े पीछे हिल पे भी थे, तो मैंने इसको बोला कि एक बार पीछे चेक कर लेते ताकि कोई और ना मार दे। तो ये ड्रॉप वाला जो था वो ऊपर भाग भाग के आ रहा था, तो इसको दिख गया, तो इसने मेरे को बोला नीचे से बंदा आ रहा है, मैं बोला कहाँ पे है, किधर है, ये देखो ये बंदा, ये वही ड्रॉप वाला बंदा है, ये जैसे ही ऊपर आया बचा तू, तो मैंने इसको मार दिया। मुझे लगा कि उसने इसको मार दिया क्योंकि वो फायर कर रहा था, लेकिन तीन बंदे और बचे, ये बच गया और मैंने उसको भी मार दिया। इधर आ, ड्रिंक विंक चाहिए क्या, कुछ चाहिए ड्रिंक विंक, नीचे आ जा थोड़ा, इधर ओम वाला एक बंदा है। हाँ तो मैं जो ओम वाले की बात कर रहा हूँ वही है जो गिली सूट वाला था, वो वहाँ पे आगे से मतलब जोन उधर से निकल गया था, वो नीचे से शायद वो गिली सूट वाला भी ऊपर आ गया था जिसके पास ओम भी थी। अब देखोगे आप तो हम ऐसे ही, मैंने इसको बोला चल जोन में जाते गाड़ी लेके, जोन में क्या नहीं है, लेकिन तभी किसी ने पीछे से शूट किया, लेकिन और मेरे को वो दिख भी गया था तो मैंने उसको भी मार दिया। तो अब बचे थे चार, उसमें से हम दो थे और चल दो बचे, उधर आगे बंदा है, ये ओपन से जा रहा था लेकिन मेरे को एक सामने सांप दिख गया था, तो मैं जोन के बाहर ही रुका 2 मिनट, उसको खत्म किया और मैंने इसको गाड़ी ला अंदर एक ही बचा है। मैंने बोला गाड़ी लाने, लेकिन प्रॉब्लम में हुआ कि वो जोन के बहुत बाहर थी और डैमेज बहुत पड़ता था, तो मैंने अभी इसको बोला एक काम कर बस तू बंदा ढूंढ के दे मैं मार लूंगा, ढूंढ उसको, ढूंढ के दे बस मेरे को, नहीं नहीं ऐसे मत, ऐसे मत, इतना ओपनली मत खेल, अपन ढूंढ लेंगे, रुक टीम, किधर किधर तो यहाँ पे अभी होता क्या है, मेरे को ये बंदा दिख तो जाता है लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने मतलब मेरा एम जो था वहाँ पे जो घास में था इसके पास गिली था, तो मुझे लगा ये प्रोन हो गया है, तो मेरा पहले जो शॉट था वो उस नीचे जो वहाँ पे बाइक है उस पर चला गया,
और उस चक्कर में उस बंदे ने मेरे को शॉट मार दिया। तो लकीली उसका एम इतना अच्छा नहीं था, तो उसका ऑम का जो शॉट था वो मेरे बॉडी पे पड़ा, नहीं तो मैं किल हो जाता था डायरेक्ट। तो अभी आप देखोगे कि आगे देखो मैं इस पर शॉट लेता हूँ, मतलब बाइक के ऊपर एम लेने के बाद भी मैंने उसको थोड़ा मारा, लेकिन उसका शॉट मतलब बोल्ट एक्शन था इसलिए उसकी गोली मेरे को पड़ गई। तो देखो तू चुप मैं ले लूंगा। तो अभी हुआ क्या, इसको वो जो गिली वाला बंदा था वो थोड़ा ऐसे जंप वम करके आ रहा था, मतलब डॉच करने के लिए, लेकिन मैं जिसके साथ टीम अप कर रहा था उसको लगा कि वो भी टीम अप करने आया है। वो बोल रहा था कि वो भी टीम अप ही कर रहा है, तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई वो टीम अप नहीं कर रहा है, वो बस डॉच कर रहा था मेरी एमओ को, मतलब मेरे शॉट को, और उसने मेरे को शॉट भी मारा है। मेरी हेल्थ देख ले, मतलब उसको तो दिखेगी नहीं, लेकिन मैंने उसको बताया क्योंकि उसको पता नहीं था उस बंदे ने मेरे को शॉट मारा है। नहीं, मारा उसने मेरे को। अच्छा, मारा नहीं, जब मैं मारा वही आराम से करता। किधर है अभी वो? कौन से पेड़ पे वो? तू नीचे जा, मरवर जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ गया, तू नीचे जा। दिखा मेरे को, वो पीक ले रहा है। तू राइट से थोड़ा नाच सकता है क्या? वो तेरे पे ध्यान देगा, नाचते रहना पर। राइट पे थोड़ा जाके नाचना। तो गाइज अभी हुआ क्या था, ये जो बंदा है गिली शूट वाला, ये उसने देख लिया था कि हम उधर है, लेकिन ये भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इसको वहाँ पे दो बंदे दिखे थे। तो ये दो मिनट होल्ड कर रहा था और मैं ऐसे ही प्रोन होके, मेरे को ये कब का दिख गया था, लेकिन मैं प्रोन होके देख रहा था कि ये कर क्या रहा है, मतलब ये सच में टीम अप कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब मैं ऐसे ही प्रोन होके लेफ्ट पे जा रहा था तो मैंने देखा कि ये नेट डाल रहा है, नेट या स्मोक कुछ तो डाल रहा था। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि उसकी गन इक्विप नहीं है, तो मैं फटाक से फिर खड़ा हुआ और मैंने उसको शूट किया। आजा, चल चल चल, तू मारेगा या मैं मरूं? तो गाइस जब मैंने स्लैश गिली वाले को मारा तो ये बंदा समझ गया कि भाई अब तो पैसिफिस्ट मिलना ही है। तो जब मैंने उसको मारा तो एकदम खुश हो गया कि यस यार मर गए, मतलब अभी हम दो ही बचे, मेरे को पैसिफिस्ट मिल जाएगा। तो अभी आगे मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, तो आप आगे की बातें सुन लो, आपको समझ जाएगा हुआ क्या था। और गाइस यही सब चक्कर में जब मैं खेल रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है सूरज नाम का, वो मुझे स्पेक्टेट कर रहा था, मतलब वो मुझे पता तो नहीं चला, मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मैं गेम के बाहर आऊँगा तो वो मुझे देखो, वो मुझसे जो बात करेगा आप वो भी सुनना। हाँ, मैं मरता हूँ, कोई नहीं, मैं नेट से मरता हूँ। तेरा नाम क्या है? तेरा आईडी क्या है? मेरा लिंक मेरे को ऐड कर देना, मैं मेरा बोलता हूँ 51। हाँ, मैं नेट से मरूँ या जोन में जाके मरूँ? तो गाइज़ मतलब आप सबको पता होगा, मतलब गेम में चिकन डिनर लाना, जीतना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी दूसरों को जिताने में भी खुशी मिलती है। तो मतलब ये बंदा स्टार्टिंग से मेरे साथ था, तो मैंने सोचा कि अभी इसने बोला है कि दिला दो पैसिफिस्ट, बहुत बार ट्राई किया तो इसको दिला देता हूँ। आप देख सकते हो मैं सेकंड आया, और उस बंदे का भी मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा आगे जाके। पहले तो मेरे फ्रेंड ने जो एक्सपेक्टेड किया था, हम उसके अभी बातें सुनते हैं, देखो। हेलो, बोल बोल यार, तेरे मैच था। हाँ? अरे वो बंदे को पैसिफिस्ट दिला रहा था उसको पैसिफिस्ट दिला दिया मैंने
अरे आईसी मेरे को हॉल पे मिला तो मैंने एक दो किल किए, तो बोलता है भाई मेरा पैसिफिस्ट बहुत टाइम से भाग के, दो तीन बार ट्राई किया हो नहीं रहा है तो मेरे को दिला दो यार। तो ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, तो एंड में मतलब वो हम लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे तो मैं उसको बोला तू छुप छुप के बस ढूंढते रहे बंदो बंदों को, क्या मर मर के बचाया उसको वो लाश वाले का देखा क्या गिली सूट को? अरे दो बार क्या वो बताया, वो गिली के पहले वाले जो दो थे ना, एक M249 लेके और एक DP लेके आए पीछे से, तो लोग उसको मार रहे थे तो मैं कैसे तो बच बच के उसको उनको खत्म किया और इसको बचाया। अरे वो बोल रहा था मेरे को पैसे भेज दिला दो, क्या कुछ हो गया वो, जैसे मैंने सेकंड लास्ट को मारा ना बोलते अरे भाई हो गया मेरा मैं पूरा रिकॉर्डिंग क्या हो गया हाँ वो बंदा रिक्वेस्ट भेजने वाला था, रुक देखते अभी। तो गाइस फिर मैं सूरत से जब बातें कर रहा था तो मेरे को फ्रेंड एक थोड़े टाइम बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक, तो मैंने देखा कि वो कौन है, तो वो वही बंदा था जिसको मैंने जिताया था। मतलब उसका मुझे समझा, उसने एक नेम क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसके नाम में स्पेशल कैरेक्टर थे जो टाइप नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने अपना नेम बताया नहीं था। तो मैंने उसको अपना ID दिया था कि मेरे को ऐड कर देना, तो उसने थोड़े टाइम बाद मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने सच में उसको जिताया था कि नहीं। ये देखो, देख आया उसका रिक्वेस्ट। तो फिर वो बंदे जब ऑनलाइन आया तो मैंने उसको ऐड करके पूछा कि भाई हुआ कि नहीं पैसिफिश, तो उसने बोला हाँ हो गया, तो मैंने बोला भाई इक्विप तो कर फिर। तो आप देख सकते हो ये वाला उसका जो गेम है, तो वो जो जीता है देखो, नंबर 1 और 0 किल्स। ये मिल गया, आप देख सकते हो पहले मैंने चेक किया तो उसका वॉर वर्ड्स था, फिर उसने पैसिफिश इक्विप किया, लेफ्ट में देख सकते हो ऊपर। तो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो, मुझे मतलब ये आई नो गेम साउंड नहीं आया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब उस बंदे की हेल्प करके, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको भी दिखाऊं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मुझे भी हेल्प हो जाएगी, और गाइस आप कमेंट भी कर सकते हो, और आपको कुछ और टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।